हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक ऐसी डिज़ाइन इसको आप जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं लेडीज़ कार्डिगन में इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया चलिए स्टार्ट करते हैं ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने तेरह के मल्टीपल में फंदे लिए हैं तो तेरह तिया उनतालीस उनतालीस फंदे मैंने लिए हैं और इसमें तीन डिजाइन डल के कम्प्लीट हो जाएंगी आप बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से फर्स्ट रो देखिए यहाँ पे हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बुन लिए मैंने बुल को पीछे किया यहाँ से देखिए दो का एक ऐसे दो का एक किया बुल को अपने तरफ किया एक फंदा सीधा जाली डालते हुए वापस बुल को अपने तरफ करेंगे और यहाँ पे ऐसे पलट लिया फंदे को और ऐसे बैक साइड से दो का एक तो यहां पे देखिए दो फंदे कम हुए तो दो यहां पे जाली डल गई आप देखिए यहां से चार फंदे उल्टे तीन चार ये यह देखिए यहां पे एक डिजाइन डल के कंप्लीट हो गई इसी को रिपीट करते हुए हम जाएंगे पूरी रो में अब यहां से दूसरी डिजाइन स्टार्ट होती है तो यहां से हम चार फंदे उल्टे फिर से बुनेंगे दो तीन चार बुल को पीछे करेंगे आगे की तरफ से दो का एक करेंगे बुल को आगे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए वापस बुल को आगे इस फंदे को पलट के ऐसे कर लेंगे और बैक साइड से दो का एक अब बुल को अपने तरफ यहाँ पे एक दो तीन चार ये देखिए चार फंदे उल्टे तो यहाँ पे यह दूसरी डिजाइन डल गई अब देखिए अगली डिजाइन के लिए यहाँ पे हम एक दो तीन चार देखिए चार ये और चार ये यहाँ पे आठ फंदे उल्टे हो जाते हैं बुल को पीछे करेंगे और देखिए यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ से दो का एक बुल को आगे करेंगे एक फंदा सीधा जाली डालते हुए वापस बुल आगे और इसको पलट के ऐसे दो का एक ये देखिए यहाँ पे जाली डल गई बुल अपने तरफ चार फंदे लास्ट में उल्टे ये देखिए फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट होती है पलट लेंगे सेकेंड रो उल्टी तरफ ये यह देखिए यहाँ से एक दो तीन चार जो चार फंदे मैंने इधर से उल्टे बुने थे उनको हम उल्टी रो में सीधा बुनेंगे आप देखिए भूल अपने तरफ यहाँ से एक दो तीन चार पाँच ये पांच फंदे उल्टे अब यहाँ से देखिए आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए अब यहाँ से इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे जो यहाँ पे ये वाले फंदे हैं पांच इनको उल्टा और जो बीच में आठ फंदे हैं इनको सीधा अब देखिए डिजाइन की तीसरी रो पे आ गए सीधे साइड तो यहाँ से देखिए एक दो तीन तीन फंदे उल्टे भूल को पीछे करेंगे और देखिए यहाँ से आगे की तरफ से दो का एक करेंगे ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे ये देखिए भूल को अपने तरफ सेंटर वाले फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे वापस भूल को अपने तरफ एक फंदा ये सीधा और देखिए इसको हम पलट के ऐसे करेंगे यहाँ पे दो का एक ऐसे ये देखिए अब भूल को अपने तरफ यहां से एक दो तीन ये देखिए यहां पे तीन फंदे उल्टे बुने तो एक डिजाइन के फंदे ये कंप्लीट होते हैं अगली डिजाइन के एक दो तीन तीन फंदे इधर के तो यहां पे छह फंदे उल्टे हो गए भूल को इधर करेंगे ये दो का एक ऐसे आगे की तरफ से एक फंदा सीधा भूल आगे जाली डालते हुए एक फंदा सीधा वापस भूल आ गए एक फंदा सीधा जाली डालते हुए इस फंदे के साथ ऐसे पलट के दो का एक अब यहाँ पे छह फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छ और देखिए यहाँ से ऐसे दो का एक एक फंदा सीधा बुल को आगे एक फंदा पे जाली वापस बुल आ गए इस फंदे पे जाली एक फंदा सीधा अब यहाँ से इसको ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से ऐसे बैक साइड से दो का एक बुल अपने तरफ यहाँ पे एक दो तीन ये देखिए तीन फंदे उल्टे इस तरह से ये तीसरी रो कंप्लीट होती है चौथी रो पे उल्टे तरफ अब देखिए यहाँ से एक दो तीन तीन फंदे सीधे भूल अपने तरफ यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच सात ये देखिए सात फंदे उल्टे अब भूल को इधर करेंगे और देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे सीधे भूल को इधर करेंगे अब यहाँ से ऐसे ही पूरी रो बना लेंगे ये देखिए उल्टी तरफ से चौथी रो कंप्लीट हो गई पांचवी रो पे सीधे साइड तो यहां से देखिए एक दो दो फंदे उल्टे बुल को पीछे अब देखिए इस फंदे के साथ ऐसे दो का एक ये देखिए अब यहाँ पे एक दो, दो फंदे सीधे बुल को अपने तरफ यहाँ पे जाली डालेंगे वापस बुल को अपने तरफ दो फंदे सीधे एक दो अब इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे दो का एक ऐसे ये देखिए अब बूल को अपने तरफ यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार अब देखिए चार फंदे उल्टे दो इस डिजाइन के और दो इधर वाले डिजाइन के बुल को पीछे किया दो का एक किया अब देखिए एक दो, दो फंदे सीधे बुल को आगे इस फंदे पे जाली वापस बुल को आगे इस फंदे पे फिर से जाली ये दो फंदे यहाँ पे सीधे हो गए और इस फंदे के साथ पलट के ऐसे दो का एक कर देंगे बुल को अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बुल को पीछे आगे की तरफ से दो का एक दो फंदे सीधे बुल को आगे जाली डालते हुए एक दो दो सीधे और यहाँ पे देखिए पलट के ऐसे किया और बैक साइड से दो का एक अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे ये देखिए पांचवी रो सीधे तरफ से कंप्लीट होती है छठवीं रो पे उल्टे तरफ तो यहां से देखिए एक दो दो फंदे सीधे भूल अपने तरफ यहां से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए और नौ नौ फंदे उल्टे बुल को इधर करेंगे यहाँ से एक दो तीन चार चार फंदे सीधे अब देखिए ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे अब देखिए छठ रो उल्टी तरफ से कंप्लीट होती है सातवीं रो सीधी रो ये देखिए एक फंदा उल्टा बुल को इधर करेंगे यहाँ पे ऐसे दो काई उसके बाद देखिए दो एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुल को अपने तरफ इस पे जाली डालेंगे वापस बुल को अपने तरफ यहाँ पे तीन फंदे सीधे जाली डालते हुए दो तीन इसको पलट के ऐसे करेंगे और इस फंदे के साथ दो का एक बुल को अपने तरफ अब यहाँ पे एक दो, दो फंदे उल्टे बुल को इधर किया और देखिए इसको सीधा बुना उसके बाद देखिए बुल को आगे करेंगे यहाँ पे जाली डालेंगे वापस बुल को आगे और यहाँ पे एक दो तीन तीन फंदे सीधे इस फंदे के साथ पलट के ऐसे दो का एक कर देंगे अब बुल को अपने तरफ दो फंदे उल्टे बुल को पीछे इधर से दो का एक ये देखिए, अब यहाँ से एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुल को अपने तरफ जाली डालेंगे वापस बुल को अपने तरफ तीन फंदे यहाँ पे सीधे दो तीन अब देखिए इसको पलट के ऐसे करेंगे और एक फंदा यहाँ पे उल्टा ये देखिए यहाँ से ये रो भी कंप्लीट हो गई अब उल्टे तरफ अब यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा ये आठवीं रो है उल्टे तरफ और उसके बाद देखिए बुल अपने तरफ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये देखिए ग्यारह फंदे उल्टे ये देखिए ऐसे अब बुल को इधर करेंगे दो फंदे सीधे बुल को अपने तरफ और यहाँ पे आप ग्यारह फंदे उल्टे और दो सीधे इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे ये देखिए यहाँ पे आठ रो कंप्लीट हो गई हैं अब नौवीं रो पे सीधे तरफ आ गए हैं तो यहां से देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे भूल को पीछे करेंगे और देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे बुने मैंने इस सेंटर वाले फंदे पे बबल डालूंगी मैं तो देखिए एक बार बुना और भूल को इधर किया उसी फंदे को दूसरी बार बुन लिया भूल को इधर किया तीन भूल को इधर किया चार और भूल को इधर किया पांच। ये देखिए पांच फंदे बनाने के बाद मैंने इसको निकाल दिया अब देखिए, इन फंदों को हम इस वाली सलाई पे ले लेंगे ऐसे अब यहां से देखिए इनको हम बनाएंगे ऐसे एक दो तीन चार और पांच पांच बनाने के बाद देखिए फिर से हम इस सलाई पर लेंगे इन फंदों को ऐसे ये देखिए और यहां पे देखिए तीन का एक करूंगी इस तरह से ये तीन का एक कर दिया उसके बाद इधर से ऐसे दो का एक ये देखिए ऐसे ये आप देखिए इस फंदे को ऐसे लिया दोनों को इसको इसके ऊपर से निकाल दिया ये देखिए इस तरह से ये बबल बन के कम्प्लीट हो गया ऐसे देखिए ये देखिए ऐसे उसके बाद यहाँ से हम ये देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे सीधे भूल अपने तरफ दो फंदे उल्टे अब बुल पीछे करेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे फिर से सीधे सेंटर वाले फंदे पर फिर से बबल डालूंगी तो यहां से देखिए एक बुल को इधर किया दो तीन चार पांच पांच बनाने के बाद इसको हम निकाल देंगे आप देखिए इन फंदों को हम इस सलाई पर ले लेंगे और इधर से ऐसे एक दो तीन चार पांच पांच बना लिए अब देखिए इसको हम इस पे लेंगे और यहां से फंदे घटाएंगे तीन फंदों का एक करेंगे ये देखिए ऐसे ये हो गया उसके बाद इधर से दो फंदों का एक फंदा ऐसे ये देखिए इस तरह से अब इन फंदों को दोनों को इस वाली सलाई पे लिया इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया थोड़ा सा खींच देंगे तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे बबल बन के कंप्लीट हो जाएगा अब देखिए यहाँ से पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच दो उल्टे देखिए अब पांच सीधे अब देखिए इस वाले पे भी मैं बबल बना लेती हूँ पांच सीधे बनाने के बाद रो कंप्लीट हो जाएगी ये देखिए इस तरह से ये नौमी रो कंप्लीट होती है और यहाँ से हम पलट लेंगे अब देखिए यहाँ से एक फंदा सीधा ऐसे बोल को अपने तरफ यहां से देखिए एक दो तीन चार पाँच देखिए बबल वाला फंदा उल्टा बना लेंगे छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे उल्टे बुल को पीछे किया दो फंदे सीधे यहाँ पे वापस बुल को इधर करेंगे ग्यारह उल्टे ऐसे ही ये रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से ये दस रो का पैटर्न है और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट सिलाई को फिर से रिपीट करेंगे और ये आगे आगे बन के कम्प्लीट होता जाएगा तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ